हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल खानम सिस्टर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही एक यूनिक एंड स्वीट इजी क्विक रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का रेसिपी। तो इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है 2 पैकेट मैगी, और अभी मैगी को मैं ऐसे ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। इतना भी छोटा नहीं करना है, जस्ट उसका थोड़ा टुकड़ा करना है। अभी मैगी को मैं फ्राई कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिए एक पैन, और उसको पैन को मैंने पैन हीट कर लिया है, और उस पर अब मैं डालूँगी 2 चम्मच बटर। तो अभी बटर पे मेरा जो पीसेस है मैगी का, उसको फ्राई कर लूँगी। 2 से 4 मिनट ही हमें फ्राई करना है, एकदम ब्राउन या ऐसा कुछ नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा माइल्ड कलर चेंज होता है और क्रिस्पी होता है। ये देखिए हो गया है, मैंने इसको उठा लिया है मतलब प्लेट में मैगी इसको। तो अभी मैं साइड बाई साइड क्या करूँगी, मैंने लिया है 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और पहले मैंने कस्टर्ड पाउडर को थोड़े से पानी में घोल दिया है। यहाँ मैंने 2 पैकेट मैगी के लिए 2 चम्मच कस्टर्ड यूज़ किया है 4 के चम्मच से। तो आप इसका क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं एज पर मैगी आप जितना लेंगे वही। और अभी मैंने लिया है ड्राई फ्रूट के अंदर किशमिश और मूँगफली। जो ये मूँगफली के दाने हैं ना, वो ऑलरेडी फ्राइड किया हुआ मूँगफली है, और उसका जो छिलका है उसको मैंने हटा लिया है मूँगफली का। तो वो जो मेरा पैन था उसी पे ही मैं अब ऐड करूँगी 2 बड़े कप दूध। अभी इस पे मैंने ऐड करूँगी 4 चम्मच चीनी, और फिर इसमें ऐड करूँगी जो हमने घोल बनाया था कस्टर्ड का, उसको हम स्लोली स्लोली ऐड करेंगे और चलाते रहेंगे, नहीं तो क्या होगा वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है ना कस्टर्ड। तो गैस का फ्लेम लो रखेंगे, नहीं तो जल जाएगा, और इसको ऐसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे नहीं तो जल जाएगा। अभी मैंने इसमें ऐड किया है जो हमारे ड्राई फ्रूट थे किशमिश और मूँगफली, और फिर मैं ऐड करूँगी इस पर हमारे फ्राई किया हुआ मैगी। देखिए ऑलरेडी जो दूध और कस्टर्ड है वो ठीक हो चुका है। अभी मैगी ऐड करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट ऐसे पकाएंगे कि जो हमारा मैगी है वो सॉफ्ट हो जाए। आप इसको ढक के भी पका सकते हैं या ऐसे ही बिना ढक्कन के भी पका सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू स्टेयर करें, इससे अच्छे से पक जाता है। ये देखिए जब ऐसे उबाल आ जाएगा ना, आपको 5 मिनट ही लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। ये देखिए मैगी के जो स्टैंड है वो अलग हो रहे हैं। तो ये हो चुके हैं रेडी, अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, जैसा ही कलर है ऐसा उसका टेस्ट ही आता है। तो मैंने इसको सर्व कर लिया है। आप इसमें चाहते हैं तो आपके पसंद के हिसाब से आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी एंड क्विक है। कोई भी नया मेहमान आए तो आप इसको ज़रूर सर्व कीजिए, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खाने के बाद एज ए डिज़र्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू।